दोस्तों ट्रेन में नई पत्नियों को गायब होने का किस्सा तो न्यूज में बहुत बार सुनने को मिलता है। एक ऐसी घटना ट्रेन में फिर से सुनने को मिल रही है जो आपको शायद हैरान करके रख देगी। तो आइए पूरा मामला जानते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों एक पति पत्नी जिनकी शादी अभी 5 महीने पहले हुई थी, वह ट्रेन के B4 कोच में सफर करते हुए जा रहे थे, लेकिन ट्रेन में ऐसा हुआ कि ट्रेन से ही पत्नी गायब हो गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि पति और पत्नी दोनों मुजफ्फरपुर से हनीमून के लिए दार्जिलिंग जा रहे थे। मुजफ्फरपुर से न्यू दिल्ली न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस ट्रेन के B4 कोच में अपने रिजर्वेशन वाले सीट पर बैठते हैं और अपने सफर को काफी एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं। शादी के दौरान हनीमून के लिए नहीं जा पाए, इसलिए कुछ महीने बाद फिर से हनीमून पर दार्जिलिंग जाने का प्लान बनाया और ट्रेन में सफर करते हुए खुशी से जा रहे होते कि अचानक उनके साथ ऐसा हो गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पति ने बताया कि जैसे ट्रेन किशनगंज रेलवे स्टेशन पर रुकती है, पत्नी शौचालय के लिए जाती है और ट्रेन वहां से खुलने के बाद भी पत्नी अपने सीट पर वापस नहीं आती है। फिर पति को चिंता होने लगता है, जब वहां पर जाकर देखा तो पत्नी कहीं नजर नहीं आई। अब पति परेशान होने लगा और काफी ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन ट्रेन में कुछ भी पता नहीं चल पाया। फिर पति ने ट्रेन से पत्नी का लापता होने की सूचना स्टेशन पर मौजूद GRPF पुलिस को दी, लेकिन GRPF पुलिस के अनुसार पत्नी के फोन का लास्ट लोकेशन रोसड़ा स्टेशन का बताया जा रहा है। जब GRPF ने किशनगंज रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज को देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं दिखा। इस मामले से जुड़े और भी रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज को खंगाले जा रहे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी मालूम नहीं चल पाया। फिलहाल मामले की जाँच चल रही है। लापता महिला के पति ने कहा है कि ना तो उसके पत्नी के साथ कोई झगड़ा हुआ था और ना ही उसकी पत्नी का किसी से प्रेम संबंध था। पति ने आकांक्षा जताया है कि नशा कुराने वाली गिरोह ने उसकी पत्नी का अपहरण किया है। इस मामले को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दोस्तों कभी भी ट्रेन में परिवार के साथ सफर करें तो हमेशा ट्रेन में सावधानी बनाकर रहें और ट्रेन में शौचालय के लिए जा रही महिलाओं को आप भी थोड़ा ध्यान रखें और ट्रेन में कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें। ट्रेन में नई नवेली इस पत्नी को गायब होने का आपका क्या विचार है, कॉमेंट में लिखकर अपना राय जरूर बताना।